एक्सरसाइज 9 एग्जांपल नंबर 14 रूट sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा cot थीटा। आपको यहां पे क्या करना है, LHS लेना है, LHS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। अब यहां पे हम क्या करेंगे, हमारे को आंसर कौन से फॉर्म में चाहिए, tan और cot के फॉर्म में चाहिए हमारा आंसर। तो हम यहां पे क्या करेंगे कि sec का क्या लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cosec का क्या लिख देंगे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ओके, तो मैंने यहां पे tan और cot के फॉर्म में यहां पे ला दिया क्योंकि हमारा आंसर हमको tan और cot के फॉर्म में चाहिए जो हमको प्रूव करना है। ओके, अब यहां पे क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब ये 1 और ये 1 तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं भाई tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 1 2 हो जाता है ना। अब यहां पे देखो लिटिल बिट यहां पे थोड़ा ट्विस्ट है और क्या है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि यहां पे 2 है बरोबर, 2 इनटू हम क्या करेंगे यहां पे tan थीटा और cot थीटा यहां पे हम लिख देंगे। क्यों लिखेंगे उसकी वजह बता रहा हूं, उसकी वजह ये है कि sin थीटा और tan थीटा और cot थीटा क्या होता है, 1 ही होता है। कैसे 1 होता है वो आपको बता दूं, अब ये लिखूंगा मैं, देखो इसका आंसर क्या मिलेगा हमको देख लेते हैं। इसका आंसर होता है 2 * sin थीटा cos थीटा, cos थीटा sin थीटा, ये कट हो गया, ये कट हो गया मल्टीप्लिकेशन में, ये कट हो गया, ये कट हो गया, 2 मिला। तो इसका मीनिंग ये हुआ 2 और ये दोनों सेम ही है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 1 होता है। तो मैं करूंगा क्या, 2 के पीछे tan थीटा और cot थीटा मैं लिख दूंगा। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, 2 tan थीटा cot थीटा, तो यहां पे लिख दूंगा मैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा cot थीटा। ओके, cot थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा cot, अब ये देखो यहां पे क्या, ये क्यों किया, उसकी वजह है क्योंकि हमारा एक फार्मूला है x plus y whole square is equal to x square plus 2xy plus y square। तो ये अगर ऐसा फॉर्म में होता है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो ये वही फॉर्म है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम यहां पे ऐसे लिख देंगे tan थीटा plus cot थीटा होल स्क्वायर के फॉर्म में हम लिख देंगे, मींस ये होल स्क्वायर। अब क्या होगा, ये रूट है, ये स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा tan थीटा plus cot थीटा हो जाएगा। तो हमको जो प्रूव करना था वो हमको मिल गया, तो हम क्या कर रहे हैं, इट्स LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहां पे प्रूव गया LHS इज इक्वल टू RHS।